सरकार की गाइडलाइन लेकर शुरू हुआ स्कूल। आज से उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में सरकार की गाइडलाइन के साथ कक्षा 9 से 12 तक पठन पाठन शुरू हुआ। कौशाम्बी जनपद के अधिकांश विद्यालय में अभिभावक सहमत पत्र के साथ छात्र व छात्राओं ने दो पालियों में अपनी भौतिक पढ़ाई प्रारंभ की। कौशाम्बी के श्री मानसिंह इंटर कॉलेज अलीपुर जीता में सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से आज 9 से लेकर 12 तक के छात्र व छात्रों के गेट की अंदर होने पर सैनिटाइजर व मास्क के साथ प्रवेश दिया गया और उन्हें समझाया भी गया कि कैसे उनको इस कोरोना महामारी में 2 गज की दूरी व मास्क लगाकर पढ़ाई करनी है। ठीक उसी तरह कक्षाएं लगाई गई और पढ़ाई कराई गई और साथ ही साथ सरकार का महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व सहभागिता हेतु मिशन शक्ति के बारे में भी छात्र से शपथ लिया गया कि महिलाओं व छात्राओं की हमेशा इज्जत करेंगे, मुसीबत में हमेशा उनके साथ रहेंगे। वहाँ स्पॉट बनाए गए, प्रवेश के पहले बच्चों की थर्मल स्कैनिंग की गई, उनके हाथ धोने की व्यवस्था रखी गई थी, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई थी, कक्षों को पूरी तरह से साफ किया गया था। 2 पालियों में हमारी कक्षाएं चलनी थी, 2 बार इनको सैनिटाइज किया गया और वहाँ बैठक व्यवस्था इस तरह से की गई कि 1 और 2 बच्चों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी हो और विद्यालय स्तर पर अलग अलग कमेटी बना दी गई थी जो हमेशा भ्रमण करते हुए सुनिश्चित कर रही थी कि कोरोना से बचाव की जो गाइडलाइन हमें प्राप्त हुई है उसका 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसी वजह से हम प्रथम पाली में कक्षा 9 और 10 के 50% बच्चों को बुलाए थे, दूसरी पाली में 11 और 12 के हमारे 50% बच्चे आए थे। हर बच्चे के पास अपने अभिभावक का सहमत पत्र था, उसके बगैर किसी बच्चे को पठन पाठन के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। सशक्तिकरण के विषय में भी शपथ दी। जी हाँ, महिला सशक्तिकरण, दरअसल हमारा देश तो त्योहारों और पर्वों का देश है जिसके माध्यम से हमारी भावनाएँ प्रकट होती हैं। इस समय नवरात्र का पर्व चल रहा है तो शासन के निर्देशानुसार मिशन शक्ति के अंतर्गत जो है एक पहला कार्यक्रम 17 से 25 तक चल रहा है जहां अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा और उनकी सहभागिता के संबंध में अलग अलग कार्यक्रम दिए गए हैं जिनमें से बालकों के लिए और महिलाओं के लिए एक शपथ आई हुई थी जिसे हमें अपने बच्चों को दिलवानी थी, जिसे हमने याद दिलवाया है कि जो भी हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके बिना यह समाज अधूरा है और हमारी सारी प्रगति बेमानी हो जाती है, वह है इस समाज की बालिकाएं और महिलाएं। तो उनका सम्मान और उनकी सहभागिता समाज के जीवन में और व्यक्ति के हर क्षेत्र में जो सुनिश्चित हो, उनका सम्मान हो, उसी के लिए एक शपथ थी जिसे हमने अपने बालकों को दिलवाई है, महिलाओं को दिलवाई गई है। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियों में जो संवाद करते हैं अपने बच्चों से, तो न सिर्फ शपथ औपचारिक रूप से इनको दिलवाएं, बल्कि इनके रोज़ के संवाद में इस तरह के संस्कारों का आरोपण करें जिससे सच में ये समाज में बालिकाओं और महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव अपने अंदर विकसित कर सकें और उसी दृष्टिकोण के साथ अपने सामाजिक जीवन को जिए। क्या नाम है गुरु जी? लाल बहादुर मिश्र, प्रधानाचार्य श्री मानसिंह इंटर कॉलेज अलीपुर जी का।